नेक्स्ट हेडिंग पे आओ, ठीक है बच्चों, इनहिबिटर। देखो मैंने इंड्यूसर में जो कुछ बताया उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं बनेगी, एक्टिव फॉर्म रहेगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, प्रो ड्रग ही रहेगी, एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, लेस एक्टिव ड्रग की मोर एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट नहीं होगी। अच्छा जी, आपको ऑथर ने लिख दिया तो क्या ये भी आपको एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ लेकर जा सकते हैं? मेरी ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन रही, इट विल लीड यू टुवर्ड्स साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स, क्लियर? अच्छा जी बच्चों, अब आपको ऑथर ने कह दिया कि ये जो भी इंटरेक्शन ज्यादातर आती क्यों है, क्या होते हैं नॉर्मली एडवर्स इफेक्ट्स, आते क्यों है इनहिबिशन, आती क्यों है? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फॉर द सेम आइसोजाइम। भाई फर्स्ट करो, मेरे पास ये साइटोक्रोम P450 है, मेरी ड्रग ए कहेगी मैंने मेटाबोलाइज होना है, मेरी ड्रग बी कहेगी मैंने मेटाबोलाइज होना है। भाई जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसके मेटाबोलाइट ज्यादा होंगे, जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, दूसरी ऐसे की ऐसे पड़ेंगे, ठीक है? तो इस कंपटीशन की वजह से, कंपटीशन फॉर द सेम आइसोजाइम की वजह से भी आपके पास इससे रिलेटेड साइड या एडवर्स इफेक्ट आते हैं। अच्छा जी, अब आपको ऑथर ने एक चीज इधर आपके लिपिन कॉर्ड के अंदर मेंशन कर दी, आपके पास कुछ ड्रग्स ऐसी हैं दैट आर कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग द रिएक्शंस फॉर विच दे आर नॉट द सब्सट्रेट। वे खुद तो उसको वो एंजाइम नहीं चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, कहते हैं ना टांग बढ़ाना, टांग बढ़ाएगी, कहेगी मैंने तुम्हें इनहिबिट करना है ताकि तुम दूसरे ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म ना कर सको। ऐसे ड्रग की एग्जांपल आपके पास है केटोकोनाजोल, दैट इज बेसिकली एन एंटी फंगल फंगल ड्रग, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में देखो बच्चों, मेरे पास आइसोजाइम है दैट इज 3A4। फॉर एग्जांपल जी 3A4 का सबस्ट्रेट कौन सा है? कार्बामेजिपिन। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसका इंड्यूसर भी कार्बामेजिपिन ही है। अच्छा, इसका इनहिबिटर देखो मैंने को क्या लिख दिया, कीटोकोनाजोल। वे कीटोकोनाजोल को साइटोक्रोम 3A4 नहीं चाहिए था अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए, उसको भी आपका 3A4 उसका कार्बामेजिपिन या कोई और ड्रग्स एसिटामिनोफेन वहां से मेटाबोलाइज हो रही थी, कीटोकोनाजोल दे दी, इंटरेक्शन आ गई, कीटोकोनाजोल ने क्या किया इसको इनहिबिट करवा दिया, और जी वो उन ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन आपकी प्लाज्मा में बढ़ा दी जो इस पर्टिकुलर आइसोजाइम से मेटाबोलाइज हो रही थी, क्लियर? अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में आपको ऑथर ने लिख दिया कि भाई आप अगर वारफरीन की बात करें, वारफरीन मेरे पास या डिफरेंट एसिड ड्रग की एग्जांपल है, इधर मैं जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रही हूं, दैट इज वारफरीन ड्रग क्लास क्या है, एंटीकोएगुलेंट है। बच्चों मेरे पास आपको ऑथर ने इस टेक्स्ट के अंदर लिख दिया, मेरे पास 3 डिफरेंट साइटोक्रोम P450 के आइसोजाइम्स हैं जो आपके वारफरीन की मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है? लिपिन कॉर्ड में नाम नहीं दिए, हम लोग भी आगे रिसर्च आर्टिकल से नाम भी देंगे, ठीक है? आपको ऑथर ने कह दिया, देखो अब यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, अब टेक्स्ट लिखा कैसे है? न्यूमरस ड्रग हैव बीन शोन टू इनहिबिट वन और मोर ऑफ दी साइटोक्रोम डिपेंडेंट बायो ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज ऑफ वारफरीन, यानी कि मेरे पास वारफरीन की मेटाबॉलिज्म के लिए डिफरेंट पाथवेज हैं। डिफरेंट पाथवेज होते हैं किसे कह रहे हैं, मेरे पास डिफरेंट आइसोजाइम्स हैं जो वारफरीन की मेटाबॉलिज्म करते हैं। डिफरेंट कितने आइसोजाइम्स हैं? 3 हैं, ठीक है? आपके ऑथर ने कह दिया अगर मैं ओमेप्राजोल की बात करूं, ओमेप्राजोल कौन सी ड्रग है? एसिड प्रोटोन पाम इनहिबिटर, अल्सर में यूज करते हैं, पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं। बच्चों मेरे पास ओमेप्राजोल है दैट इज इनहिबिटर ऑफ ऑल दीज 3 आइसोजाइम्स। मेरी वारफरीन जिन 3 साइटोक्रोम P450 से मेटाबोलाइज हो रही थी, उन तीनों साइटोक्रोम्स को मेरा ओमेप्राजोल इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से वारफरीन की मेटाबॉलिज्म नहीं हुई, वारफरीन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन रही। तो अब क्या होगा, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट बढ़ जाएगा क्या बच्चों? इस केस में ब्लीडिंग के चांसेस हैं, हेमरेज के चांसेस हैं, तो वही चीज आपको ऑथर ने लिख दी। अब जी हम आर्टिकल में पबमेड, अच्छा जितने रेफरेंसेज आपके स्लाइड्स में लेक्चर्स में आ रहे हैं वो पबमेड के, ठीक है बच्चों? That is authentic source, ठीक है? अब जी PubMed में क्या है कि भी मेरे पास वो कौन से 3 आइसोजाइम है जिसका ऑथर आपके बुक के अंदर जिक्र कर रहे हैं? These are the cytochrome 2C9, 2C9,
2C9, 2C10, 2C9, 2C9, 10, 90 याद हो जाएगा? नाइन टेन नाइनटी भाई ये हैं जिनको जो इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं और इनका इनहिबिटर कौन है? नेक्स्ट स्लाइड पर आओ, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। इंटरेक्शन यही है ना भाई, ये इंटरेक्शन आ रही है, मेडिसिन ना दो अल्टरनेट के ऊपर चाहिए। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में जी कैडजन का, कैडजन आपकी फार्माकोलॉजी की बुक है। अच्छा जी कैडजन बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में साथ टेबल है। इस टेबल के अंदर क्या है भी, मेरे पास आइसोसाइन है दैट इज 2C19 का जिक्र करने चाह रही हूँ। 2C19 का सबस्ट्रेट कौन था? भाई देखो सबस्ट्रेट मैंने वार्थ्रिन इधर मेंशन कर दिया। ओके इसका इनहिबिटर कौन सा? अब जी साइटोक्रोम की हम बात कर रहे हैं। साइटोक्रोम के जी आपको ऑप्शन ने कह दिया मेजर इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं? एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, राइटोनाबेरी। बच्चों ड्रग है जो हम HIV के पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी अब ये इनहिबिट करते हैं, दे विल इनहिबिट दी सेवरल साइटोक्रोम आइसोसाइन। अच्छा जी कौन से सेवरल, कौन से, कोई एक नाम दे दो जब भी आज ना। 3A4 कितना कॉमन आइसोसाइन है? 3A4 का नाम दे दो। ठीक है 3A4 को करते हैं, उसका इनहिबिटर है। आगे जाके आपको ऑथर ने लिख दिया नेक्स्ट स्लाइड में, ये तो मैं ड्रग्स की बात कर रही हूँ ना, मैं ड्रग इंटरेक्शन की बात कर रही हूँ। मेरे पास सर्टेन ऐसे फूड भी हैं जो मेरे एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हम फूड एंजाइम इंटरेक्शन फूड इंटरेक्शन भी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों आई हैव डिफरेंट नेचुरल सब्सटेंसेस, सबसे कॉमन एग्जांपल ग्रेप फ्रूट भी इनहिबिट कर देता है आपके साइटोक्रोम 3A4 को, और 3A4 तो मोर देन 50% ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म कर रहा था। अच्छा जी अब अगर इसमें ग्रेप फ्रूट मैंने लिया, मैंने जी पर्टिकुलर मेडिसिन ली, ठीक है मेरी मेडिसिन जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होगी, अब टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, टॉक्सिसिटी क्या चांसेस हैं। अच्छा कौन सी ड्रग है जो 3A4 से फॉर एग्जांपल मेटाबोलाइज होते हैं? एथ्रोमाइसिन, नेफेडिपिन। नेफेडिपिन कौन सी ड्रग क्लास की? कैल्शियम हाइपरटेंशन में देते थे। क्लेबिद्रोमाइसिन दैट वाज एंटीबायोटिक, देन सिम्पा सेटिव। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेबल में देखो ये सारी ड्रग क्लासेस लिखी हैं। नेफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एंजाइना में देंगे, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन में देंगे, क्लेबिद्रोमाइसिन है एंटीबायोटिक है। बच्चों वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे पेंसिलिन पड़ी थी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर था, बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने देता था। क्लेबिद्रोमाइसिन है दैट इज अ मैक्रोलाइड, ठीक है अब इसको बस इतना याद रखो। ठीक है देन वी हैव सिम्वास्टैटिन दैट इज अच्छा देखो एब्रीवेशन देखो दैट इज हाइड्रोक्सी, यानी कि एच आ गया हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल का एम आ गया, देन ब्यूट्राइल का जी आ गया, को ए आ गया। ठीक है ठीक है रिडक्टेज इनहिबिटर पूरा भाई आपके पास नाम क्या आ गया? रिडक्टेज सिम्वास्टैटिन आपके पास क्या है? हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूट्राइल रिडक्टेज इनहिबिटर है, स्टैटिन है, स्टैटिन है ड्रग क्लास है। किसमें यूज करेंगे? टू ट्रीट द हाई कोलेस्ट्रॉल और द ट्राइग्लिसराइड लेवल। ठीक है क्लियर है बच्चों यहाँ तक?